लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देख रहे हो लकी, जब इन्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम जैसे किसी वकील से स्टे ऑर्डर लेकर काम बंद क्यों नहीं करवाते? पापा, वो मुझे नहीं जानते, उन्हें सिर्फ जुडिशियल सिस्टम की पड़ी है। जज की पोस्ट से आपको भी रेजिग्नेशन देना पड़ा। मैं ठहरा एक नॉन कमर्शियल लॉयर और हम दोनों घर पर बैठे हैं। करेक्ट। ओपोनेंट चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मैं कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। बिल्कुल सही, मैं उस चैनल में कॉल करके उस आदमी का नंबर लूंगा और उसे तुमसे मिलवा दूंगा। पापा, चैनल वाले इनका नंबर क्यों देंगे? वो देखिए, जिस कंपनी के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं उसी का एडवर्टाइजमेंट नीचे चल रहा है। सब कुछ कमर्शियल है, हमारी तरह ईमानदार थोड़ी ना है। उस आदमी को आप किसी भी तरह मेरे पास ले आइए, मैं मदद कर दूंगा, इंसाफ दिला दूंगा। सीनियर, क्लाइंट्स रेडी हैं, बिल्कुल नए हैं। कमिंग। हाँ, आप उस आदमी को बुलाइए, मैं अभी जाकर आता हूँ। ये पाशा कौन है? उसका नाम पाशा है, होल सिटी से। प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है, इसलिए मैं सस्ते में खरीदना चाहता था, लेकिन ये लोग वहां भी आ दमके। जब मैं अपने साथ कुछ लोग ले गया बात करने के लिए, तब उन लोगों ने हम पर थूका, हमें मारा और हमारा सर फोड़ दिया। किसी तरह हम लोगों ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गए। अगर इन्हें कोर्ट में घसीटा तो भी ये सरेंडर नहीं करेंगे, सेटलमेंट बाहर करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं होगा सर। तब तुम्हारा लॉयर लकी नहीं था ना? तुम उन्हें कम समझ रहे हो। अच्छा, इस तरफ यकूब को ज्यादा समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। हम बस चाहते हैं कि मैटर सेटल हो जाए, मैं आराम से अपनी जमीन पर जाकर हल्का हो सकूं, बस यही चाहता हूं। अरे सुनिए, इस तरफ देखिए, आप सिर्फ हल्का ही नहीं, खाया हुआ फुल्का भी निकाल सकते हैं उस जमीन पर। जब हमारे सीनियर ने केस हाथ में ले लिया तो समझो सबकी छुट्टी हो गई। उन्हें या हमें? जोक लगा, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। नाराज मत होइए सर, प्लीज। हमने जिसे भी ये काम दिया है, सबने बड़ी बड़ी बात की, लेकिन काम कोई नहीं कर सका। जिस तरह से आपके आदमी ने आपकी तारीफ की है, मेरी उम्मीद जाग गई है। अब आप बताइए, आप फीस कितना लेंगे सर? अरे आप लोग फीस के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये एक्स जस्टिस सूर्य नारायण जी का घर है। नमस्कार सूर्य नारायण जी। उस तरफ। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। बेफिक्र होकर आज दोपहर को मीटिंग करने आ जाइए। क्या आज है? अरे कल करे सो आज, कर आज करे सो अब। आज का मुहूर्त भी शुभ है। हमें क्या दिक्कत होगी सर, हम खुशी खुशी वहाँ आ जाएंगे। अरे गिरने के बाद उठा रहा है ढक्कन, पहले आप उठिए, भी बात करते हैं सर। हेलो, मैं लॉयर लकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रो। मैंने पाशा के ओपोनेंट का केस अपने हाथ में लिया है, उसके गुंडे मेरे पीछे। 1, 2, 3, 4 क्रिकेट टीम से ज्यादा है सर। चद्दर से बाहर पैर पसारा तो पैर तो गंदे होंगे ही। ये केस क्यों लिया? सर केस नहीं लेता तो कुछ और लेना पड़ता। ये केस तेरे को मिला है, पुलिस वाले नहीं बताया मेरे को, अभी वो तेरे को मारने के बाद ही आएगा। पाशा भाई, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, वकील के साथ ऐसे बहस करना सही तो नहीं है, सजा तो मिलेगी। भाई, मैं निपटा क्या था इसको। तू तो गया, याला हमें हमें इतना जोर से बाजू क्यों मरोड़ा? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, माफ कर दो भैया। अबे खरबूजे, इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं, जब कोई हमला करे तो शांत नहीं रहने का, अपनी हिफाजत के लिए पंच मारने का, ऐसे प्यार की झप्पी देने का, इस तरह, और फिर उसे फ्लाइट मोड पे डालने का, ऐसे डॉल्बी साउंड निकालने का, या सर को नारियल जैसे फोड़ने का। शायद तू जानता नहीं, खुद के बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस है 302, 324 और 325 एम बनाया गया है।
अबला बनकर खड़ा तो नहीं रह सकता, मुझे भी तुम्हारा तबला बजाना पड़ेगा। आओ आओ बजाने दो। चल भाग रहे। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर कुछ हुआ। सर सर सर, मेरी जान को खतरा है, मुझे इनसे बचाओ। ये सब क्या है, देख के लग रहा है तू नहीं है सब क्या है। पता था मुझ पर इल्जाम लगाओगे, इसीलिए सबूत के तौर पर मैंने वीडियो बनवाया है। हाँ सर, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और एक खुशखबरी है, आप ही ने घूस खाकर इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो भी रिकॉर्ड हो गया है। बड़े भैया इसे दिखा दूं तो आप लंबा अंदर जाओगे। मर गए। एक बात बोलूं? हाँ? ये वीडियो दिखाने से ना आपका कोई फायदा नहीं होगा। आइए खूब चमे बात करते हैं। अकल ठिकाने आई, चलो। ओके, ये तेरा, ये तेरा। साइंकर साइंकर सुन भालू, सबका कड़वा मुंह मिठा करा। ये क्या भाई साहब, सिर्फ एक चॉकलेट खिलाकर आप पूरा मैटर ही सेटल कर रहे हो। एक एक्स्ट्रा दूं क्या तेरे मुंह में? ऐसा नहीं है साहब। हाँ? पेपर का, जेरोक्स का, शेड का, फर्नीचर का, पेट्रोल का, इन सब का खर्चा। ये हिसाब करना बंद कर, लमसम 10 कर दूं। 10,000 क्या? नहीं रे लाख। सच्ची? 20 लाख दिलवाता हूँ, मैटर सेटल हो जाएगा रे। बोथ द पार्टीज हैप्पी, करेंगे पार्टी, डील फाइनल, समझू। हेलो, आप तो एक फीस भी नहीं ले रहे हो, लेकिन इन चिल्लर लोगों को 20 लाख का वादा कैसे कर दिया? पैसे का नाम सुनकर डिफ्यूज बल्ब जल गया। अबे कंजूसी करना बंद कर, तो बड़ा बिल्डर है या फिर वेल्डर? आंखों के काले धब्बे छुपाने के लिए तू ये सनग्लासेस पहनता है ना, अब इसकी जरूरत नहीं। इनको 25 लाख कैश और मुझे SUV गिफ्ट कर। एक तो आपने 20 का 25 लाख कर दिया और ऊपर से मैं आपको SUV भी दे दूं। अरे इतना बड़ा मैटर सेटल किया है, पार्टी में पुरानी गाड़ी लेकर आऊंगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं जानता हूँ तेरा दिल बड़ा है, तू SUV नहीं स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेगा। अरे बाप रे, अब मैं समझा आपने फीस लेने से मना क्यों किया। मैं बता दूंगा। किसे बताएगा? तुम्हारे पापा को। क्या बताएगा तू? वो अपने किराने की दुकान पे सब कस्टमर से कहते हैं कि उनका बेटा कितना महान है, वो गाजर है, वो लहसुन है। मैं उन्हें बताऊंगा तुम कितने कमर्शियल हो, एक नंबर के घूसखोर हो, मैं उनकी आंखें खोल दूंगा। उनकी खुलने से पहले तेरी बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी? बताता हूँ भाई, तमंचा दियो ना, इसकी मौत भर गई है। ये लो सर, लोडेड है फुल्ली, पहन ले। किस लिए सर? सूट करता है। ओ, तो ये मुझ पर सूट करता है। आ, मेरे क्लाइंट ने पाशा को सेटलमेंट करने बुलाया था, उसे डराने के लिए उसके सर पर गन पकड़ी और उससे साइन करवाई। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन IPC 307506 और आर्म्स एक्ट 24 के तहत तुम्हें जेल होगी। ये तो कमीने पन की हद हो गई। रुको, मैं बताता हूँ तुम क्या सोच। हाँ, बताओ बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ। तुम सोच रहे हो कि जिसका बाप पूरी जिंदगी ईमानदारी से रहा, उसी का बेटा बेईमान, रिश्वतखोर और कमीना कैसे बन गया। यही सोच रहा है ना तू? करेक्ट। तेरे जैसे कमीने मक्कार के लिए ही क्रिमिनल लॉयर को क्रिमिनल का लॉयर बनना पड़ता है। यही बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना। ये भी करेक्ट है। लॉयर हूँ, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला लॉयर हूँ। क्या बात है, आप तो अंतर्यामी निकले, पर मैं तो कुछ और भी सोच रहा था। लेकिन आप गेस नहीं कर पाएंगे सर, आप केस लेने से पहले फीस को मना करते हो, पर काम होने के बाद उसे लटाकर उसी की। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, अगर तुमने इससे ज्यादा कोई अश्लील पोज दिया तो अंडर सेक्शन 504 के तहत 3 साल अंदर जाओगे। तेरे लिए स्पोर्ट्स कार कैंसिल करता हूँ, SUV भेज देना, वो भी व्हाइट। यस सर। सैल्यूट करने के लिए मैं कोई हीरो नहीं हूँ, विलन हूँ। जो भी इशारा किया कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ? सर को दे दीजिए। अरे, अरे लेकिन ये गुलदस्ता क्यों? इन्हें बता दो कि ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है। ये क्या, आपकी गाड़ी की चाबी इसमें फंस गई? अरे अरे फंसी नहीं है सर, हमने उसमें रखा है, आपके बेटे का गिफ्ट है। क्या गाड़ी? गाड़ी कम से कम 5 लाख की तो होगी ही। बताओ इन्हें। अरे सर जी, 150 रुपए के गुलदस्ते में 5 लाख की गाड़ी आपके बेटे को देना शान के खिलाफ है। जरा उधर तो देखिए। नई नवेली चमचमाती SUV, वो भी 7 सीटर। ये सही है? देखिए, जब मैं जज था तब अपने फैसलों के बदले एक पेन तक गिफ्ट में नहीं लेता था। क्या सर, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब स्टेशनरी तो आपको सरकार की तरफ से मिलती ही थी, इसका उससे क्या मेल है? देखो,
गिफ्ट चाहे छोटी हो या बड़ी, एक बार लेने की आदत पड़ गई तो वो हर केस में गिफ्ट पाने की उम्मीद करता रहेगा। पापा, इसलिए कोई गिफ्ट नहीं। अब्बा, नमस्ते, 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 नमस्ते। मैं इनसे फीस तक नहीं ले रहा था तो गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ भला? आपके संस्कार मेरे रगों में दौड़ रहे हैं। आपने ये सिखाया है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा हो उन्हें इंसाफ दिलाऊं और सिर्फ 100 रुपए का बुके लूं। मैं उन्हीं आदर्शों पर चल रहा हूं। क्या संस्कार है? मैंने आपसे कल क्या कहा था? बताइए क्या कहा था? मेरी मेहनत की वजह से आपने इस केस को जीता और करोड़ों कमाए हैं, लेकिन मैं 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं लूंगा, यही कहा ना? ये सब तो मुझे याद नहीं सर। याद नहीं तो याद दिलाऊं? ऐसे ही कहा था आपने। तो ऐसे तोहफे देकर हमें लालच क्यों दे रहे हो? ठीक है, फिर वापस ले लोगे तो सेक्शन 502 नहीं लग जाएगा? सेक्शन की बात क्यों? अब हमें सेक्शन क्यों सुना रहे हैं आप? जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। मुझे और डैड को कन्विंस करो तो शायद हम गिफ्ट रख ले। ओ, अच्छा, कन्विंस? कर देंगे। सर, क्या आपके लिए नहीं है सर? ये तो हमारी खुशी के खातिर है सर। अच्छा ठीक है, आपका दिल रखने के लिए ले लेता हूँ, लेकिन अगली बार सिर्फ फीस देंगे। हर एक चीज हम कागज पर लिखवा लेंगे, हम उस पर अंगूठा लगाएंगे और फिर फीस देंगे। ओके, ये गाड़ी देने की हैसियत नहीं है सर। सर, पहले आप बुके ले लीजिए। पापा, ये गिफ्ट लेने में मुझे संकोच हो रहा है। आँख पर पट्टी बांध कर जैसे कोर्ट में न्याय की देवी के आगे इंसाफ होता है, आप भी पट्टी बांध लीजिए और ये छोटा सा गिफ्ट कबूल कर लीजिए। ले लीजिए सर। लीजिए लीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ओके ओके, जाइए, सब सेटल हो गया। हाँ, पूजा पाठ ऐसी जिसमें की दिखावा हो पक्का कमर छलाई, ईश्वर भक्ति जिसमें आडंबर हो पक्का कमर छलाई, अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए सब कमर छलाई। पक्का 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 कमर छलाई। एक मोर ने पंख खोले पुष्पक विमान नाम के डेली सोप में एपिसोड नंबर 6932। रोल कैमरा एक्शन। ऑर्डर ऑर्डर। सर, ये मेरा निकम्मा। पहले अपना मास्क पहनो तुम। माफ कीजिएगा सर। एक बाप होकर अपने बेटे से ऐसा बर्ताव करते हो, शर्म नहीं आती? अरे बोलो, पुतले की तरह ऐसे खड़े क्यों, कुछ बोलो। मैं बताती हूँ योर ऑनर। लॉयर झांसी? लॉयर झांसी, क्या इस केस को आप खुद लड़ने वाली हैं? जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ सिर्फ ये केस लड़ने नहीं आई हूँ, मैं इस बूढ़े बाप के दिल का दर्द सुनाने आई हूँ, इनके कैरेक्टर में घुसकर इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स बताने आई हूँ और इसके साथ सारी बातें बताऊंगी। क्या मैं बैठकर सुन सकता हूँ? यस, प्लीज प्रोसीड। आप लोग बैठ जाइए। सर जी, माना कि हम लोग छोटी सी दुकान चलाते हैं, बड़ी मेहनत से अपने बेटे को लॉयर बनाया, चाहते थे अच्छा काम करे, समाज की सेवा करके अपना नाम कमाए, सिर्फ मेहनताना ले, मजबूर लोगों से गाड़ी या घूस ना ले। ठीक है, हमने मान लिया इसने ये काम किया है, पर आगे क्या? क्या तुम्हें इसमें हिस्सा चाहिए? नहीं चाहिए योर ऑनर। मैं नहीं चाहता इसकी काली कमाई का हिस्सा या ये घटिया आदमी मुझे बाप बुलाए। ए, गौर से सुन ले, मुझे इससे तलाक दिलवाइए। यस। बाप और बेटे में तलाक? क्या मजाक चल रहा है? अभी दिलवाइए, अभी अभी। लगता है वो अपना डायलॉग भूल गई सर। अबे बोल ना। बताता हूँ मैडम, ये बाप और बेटे के रिश्ते को, बाप और बेटे के रिश्ते को अभी के अभी खत्म किया जाए। मेरे मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को हाथ तक न लगाए। हाँ, नहीं लगाएगा, अभी आपको मरने में टाइम है, तो जल्दबाजी क्यों? नहीं योर ऑनर। नहीं योर ऑनर, मुझे इस कोर्ट में हार्ट अटैक आए। मुझे इस कोर्ट में हार्ट अटैक आया, इसी तैयारी के साथ आया हूँ। जैसे ही आप अपना फैसला सुनाएंगे माय लॉर्ड, मैं उसे सुन के मरने के लिए तैयार हूँ। डायलॉग्स पूरे खत्म हो गए, आप मर सकती हैं। जल्दी मरो, शिफ्ट खत्म हो गई। Cut it. Okay. आप सब लोग ताली बजा दीजिए। जिस तरह से मैडम ने हार्ट अटैक की एक्टिंग की है, आप लोगों का ताली बजाने का पूरा हक बनता है। What a performance sister. नारियल में पानी पीजिए। सुपर सुपर मैडम, आपका ये किरदार इंडियन ऑडियंस के दिलों में बसा रहेगा। इसलिए तूने मेरा रोल खत्म कर दिया? मैं एक राइटर हूँ, मैं कर भी कह सकता हूँ। उन्होंने कहा इसलिए मुझे काटना पड़ा। हाँ, तू तो काटेगा ही, हर किसी का काटने के लिए 24 घंटे बैठा रहता है। छोड़ो, इसके वो क्या लगना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करके बड़ा ड्रामा करते हैं। चलिए सर, वो तो यही आ रही है। 4 बार लेटर आ चुका है इसको निकालने का, आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्रोड्यूसर, ये सब क्या है? 6932 एपिसोड कर चुकी है वो। 10 साल की एक्टिंग की सफर जो 15 साल की उम्र में शुरू हुई, सब इन्हें लॉयर झांसी के नाम से पहचानते। इतने बड़े किरदार को तुम अचानक मार कैसे सकते हो? ये एपिसोड देखकर
ऑडियंस रोएगी या नहीं? रोएगी या नहीं? मेरे किरदार को मरता देखकर औरतें खाना कैसे बनाएगी? कैसे बनाएगी? वो घर पे शांति से रह पाएगी? कैसे रह पाएगी? तो ना रहे, मुझे क्यों सोचना है? कोरोना के चलते हमारा बजट पूरा हिल गया है। कितनी बार रिक्वेस्ट किया फीस कम कर दो, पेट्रोल की कीमत की तरह बढ़ाई जा रही हो। तुम्हारे बजट को झेलूं या इन दो नमूनों को झेलूं? ए, तू जरा इधर देख, ये जो तूने गुब्बारा बनाया है ना, चढ़िया 10 लोगों का अकेला ठूसता है। पर मैं तो बहुत पतला हूँ ना। बड़ी तू बात मत कर, बड़ा झोला है तू, लड़कियों का लहंगा काट कर लुंगी बनाता है। बड़ी 420 चढ़िया कहीं का, तुम लोग ये नौटंकी बहुत सह लिया मैंने। झूले लाल की कसम तुम लोग को शो से निकाल रहा हूँ मैं, तुम तीनों को पेड़ों तले मसल रहा हूँ। ए, तू मुझे कुचल दे या मसल दे, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, मैं ही हूँ यहाँ की झांसी लॉयर। झांसी? हाँ, ले पकड़ अपना कोट, इससे कैसे वापस पाना है सब अच्छे से जान। चढ़िया कोट को संभाल कर रख, एक बार मेरे मैडम ने कसम खा ली तो तुम गांव अपने बस में लौटोगे। ठीक है बाबा, जाके बस स्टैंड में बैठो, मैं भीख भिजवाता हूँ। किसको अब? टिंग 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 टिंग। 48 फ्रेम में स्लोमो में बहुत अच्छे से धमकी दी और एंट्री मारी। अब इसमें मेरा क्या काम है? हार्ट अटैक का बहाना बनाकर मेरा कैरेक्टर खत्म करने के लिए उस राइटर के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। एक मिनट, मतलब आपके सीरियल में आपके किरदार को उन्होंने बीच में से ही कट कर दिया, इसलिए आप केस करना चाहती हैं, यही ना? वाह, आपने मेरी मैडम की बात को बिल्कुल सही समझा है। सच बताइए, कभी किसी भी लॉयर की जिंदगी में आज तक ऐसा यूनिक केस नहीं मिला होगा ना उसे? मुझे पता था, मैडम ने पहले ही कह दिया था हमें। मैडम इन्हें बताइए क्या सेक्शन लगाना चाहिए। हाँ लिखो। लिखो, Criminal breach of trust, cheating under section 406 of Indian Penal Code. जान बूझ कर मेरे किरदार को मारने के लिए और मुझसे मेरा काम और रोजगार छीनने के लिए IPC 500 के तहत, IPC 503 के भी तहत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। मैडम मैडम मैडम, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कानून की सारी धाराएं तो आपके दिमाग के हाईकोर्ट में छपी हुई हैं। लॉयर के किरदार के लिए इन्होंने लॉ किया। हाँ, She's BLLB. Yes. वाह, अगर डॉक्टर का कैरेक्टर मिला तो MBBS, पुलिस का रोल हो तो IPS। वाह, कलाकार एक रूप अनेक। जब मुझे मेड का किरदार मिला था, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, फिर कैमरा के सामने परफॉर्म किया। अच्छा है, आपको गंगू ताई का रोल नहीं मिला।